Welcome back to my channel. Today we will study poem A Smile from class 2nd unit 3rd marigold book. एक स्माइल यानी एक जो मुस्कुराहट होती है वो सबको खुश कर देती है. जब भी आप किसी को देख के स्माइल करते हो तो सामने वाला भी हैप्पी हो जाता है. तो शुरू करते हैं कि पोएम में क्या बताया है. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल अप योर फेस. एक स्माइल यानी एक जो मुस्कुराहट होती है वो एक बहुत फ़नी सी चीज़ होती है, बहुत मज़ा के टाइप की चीज़ होती है. क्योंकि जब भी हम स्माइल देते हैं तो हमारे फेस पे रिंकल्स होते हैं. रिंकल्स यानी जो लाइन पड़ जाती हैं, जो झुर्रियाँ सी होती हैं फेस पे वो पड़ जाती हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. और जब ये जाती है यानी जब हम स्माइल देना बंद कर देते हैं तो ये कहाँ जा के छुप जाती है हमें पता भी नहीं चलता. अपनी सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे यानी छुपने की जो जगह होती है वहाँ जाके छिप जाती है और हम उसको ढूंढ भी नहीं सकते. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी व्हाट स्माइल कैन डू. लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि स्माइल करती क्या है. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. जब आप किसी को देख के स्माइल करते हो वो भी आपको देख के स्माइल देता है, तो एक स्माइल दो स्माइल्स को बनाता है, यानी दो मुस्कुराहटों को बनाता है. तो स्माइल एक से दो स्माइल बनती हैं तो तभी इसलिए सब लोग हैप्पी हो जाते हैं. तो इसकी समरी देखते हैं कि जो स्माइल है यानी जो मुस्कुराहट है एक बहुत फ़नी सी चीज़ है जो कि अपने फेस पे रिंकल्स यानी जो लाइंस होती हैं जब हम स्माइल देते हैं तो फेस पे सिकुड़न सी आ जाती है, वो रिंकल्स होता है. और जब ये चली जाती है, जब ये स्माइल देना बंद कर देते हैं तो ये कहाँ जा कर छुप जाती है हम नहीं ढूंढ पाते. लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक स्माइल से दो स्माइल बनती हैं. जब हम किसी एक को देखते हैं तो दूसरे वाले भी हमें देख के मुस्कुराता है, ऐसे ही दो स्माइल बन जाती है. इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग? अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल अप योर फेस. व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन? क्या होता है जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं? व्हेन आई स्माइल एट समवन इट अदर पर्सन स्माइल्स एट मी. ओके, अगर आपको ये पोएम समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.